श्री कृष्ण ने अर्जुन को 5000 वर्ष पूर्व जो गीता के उपदेश दिए थे उनका पालन करके आज तक कितने ही प्रसिद्ध व्यक्तियों ने अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाया है। गीता उपदेश मानव जाति के लिए सूर्य के समान है जो अज्ञान रूपी अंधकार से मुक्ति दिलाता है। मानव जाति के लिए गीता के उपदेशों की उपयोगिता और सार्थकता सदा बनी रहेगी। क्रोध से सबका नुकसान होता है। क्रोध या गुस्सा करना व्यक्ति के दिमाग में उथल पुथल पैदा कर देता है। आवेश में विवेकहीन होकर कई बार व्यक्ति अपना ही नुकसान कर बैठता है या फिर अपने ही मानसिक शांति को भंग करके खुद को कष्ट देता है। क्रोध की अग्नि में बुद्धि और तर्क नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति बिना विचार किए बस अपने अहम की तुष्टि करने वाले काम करता है। गुस्सा व्यक्ति की विचार शक्ति को अपंग बना देता है और भ्रम पैदा करता है। मन पर कंट्रोल जरूरी है। मन का स्वभाव है कि ये आसानी से भटक जाता है। अगर जीवन को सफलता की दिशा में ले जाना है तो मन को काबू करना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बार बार प्रयास करने से धीरे धीरे चंचल मन को बस में किया जा सकता है। मन को बस में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। अगर मन को बस में नहीं करोगे तो ये आपका सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। अधिक शक करने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि संशय या शक करने वाले का विनाश हो जाता है, इसलिए संदेह करने से बचें। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। जिसे शक करने की आदत पड़ जाती है उसे इस लोक या परलोक में भी शांति नहीं मिलती। सत्य की खोज ठीक है लेकिन बिना सच जाने कल्पनावश होकर संदेह करने का अंत दुख क्लेश पश्चाताप के रूप में होता है। अति करने से बचें। जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। किसी भी चीज की अति करना अच्छा नहीं है। जैसे सुख आने पर प्रमाद करना, दुख आने पर निराशा में डूबे रहना, दोनों ही गलत हैं। असंतुलन जीवन की गति और दिशा को बाधित करता है जिससे अनावश्यक कष्ट और दुखों का जन्म होता है। जिसके मन विचार और कर्म में संतुलन है उसे ज्ञान मिल जाता है और ज्ञान से ही सदा के लिए शांति संतुष्टि मिलती है। इच्छा दुखों का मूल आधार है। इस संसार में जितनी भी चीजें सांसारिक सुख की श्रेणी में आती हैं उनकी एक शुरुआत और अंत जरूर होता है। इन सांसारिक सुखों का अंत दुख कष्ट और दुर्गति के रूप में होता है। इच्छाओं का अंत नहीं है। एक पूरी होती है तो दूसरी नई इच्छा आ जाती है। हर इच्छा से प्रेरित होकर कर्म करना गलत है क्योंकि ऐसे तो अनुचित कार्य भी होंगे। इच्छाओं से विचलित न हो, उन्हें एक विरक्त दर्शक बनकर देखो और वे चली जाएंगी।